मैं यामिनी का किरदार प्ले कर रही हूँ। बहुत ही इस बार मैं अलग देने आ रही हूँ। सुपर पावरफुल हूँ, यूनिवर्स को कॉन्कर करना चाहती हूँ, एंड परी एंड राक्षस के बीच क्या क्या कुछ होने वाला है वही है इस बेकाबू की कहानी। और मैं अपने आप को बहुत डिफरेंट लुक में देखने वाली हूँ, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। जब भी आपको रोल मिला तो विक्रांत सर का क्या रिएक्शन था? जितना खुश मैं थी उससे कई ज़्यादा खुश वो था, क्योंकि वो जानता है पर्सनली कि मैं कितने समय से वेट कर रही थी एकता मैम के साथ काम करने के लिए। सो ही वॉज लाइक सुपर हैप्पी। इस लुक को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, इसमें से सबसे ज़्यादा क्या कुछ पसंद आया, या फिर इस लुक में सबसे ज़्यादा यूनिक क्या लगा आपको? आई थिंक चोकर बहुत ही डिफरेंट है, एंड ये ट्रेल, ये इसको मैं यूज़ भी कर रही हूँ वाइल वॉकिंग वाइल चॉकिंग, तो बहुत ही अलग है और एक पोस्चर दे रहा है, यू नो, कॉन्फिडेंस। यामिनी के कैरेक्टर को और ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है। हेयर और मेकअप भी काफ़ी अलग लग रहा है, उसको कितना पसंद किए? मतलब सब कुछ ओवरऑल ही मुझे डिफरेंट बनाया गया है, तो वही इस कैरेक्टर की यूनिकनेस है कि हर लुक में मुझे अलग अलग देखने को देख पाएंगे। ज्वेलरी आपको कितना पसंद है? अभी तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ज्वेलरी, है ना, बहुत बहुत डिफरेंट, एकदम मतलब अलग ही यूनिक टाइप के ज्वेलरी, लाइक ईयर रिंग्स एंड सब कुछ यूज़ किया गया है। सो शो में शूटिंग के दौरान कैसा रहता है माहौल, क्या कुछ बताना चाहेंगे? फन माहौल है, सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली है और हंसते खेलते रहते हैं, फिर रील्स बनाते हैं काफ़ी कुछ करते हैं। सबसे अच्छा बॉन्डिंग अभी तक किससे बना है? अभी तक हम लोग प्रॉपरली सबके साथ शूट नहीं कर पाए हैं, तो धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। अभी तो बस हम लोग आई थिंक एक या दो दिन ही शूट किए हैं। ओके, फैंस को कुछ मैसेज देना है? आप सभी से हमेशा यही कहती हूँ, आप लोग बहुत प्यार करते हो एंड हमेशा इतने सालों से मुझे प्यार दिया है, सो डेफिनेटली 18th मार्च को आप लोग ज़रूर देखिए कलर्स टीवी पर, सैटरडे संडे रात के 9 बजे बेकाबू। थैंक यू। बेकाबू, कितनी एक्साइटमेंट है बेकाबू को लेकर? ओह माय गॉड, आप देख ही सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मेरे से और वेट नहीं हो रहा है, बस जल्दी से टेलीकास्ट करते हैं और लोगों को बेकाबू कर दें। आपका कैरेक्टर के बारे में